हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ, अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम हो गई है या फिर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं। कुछ लोगों को एक्नी पिंपल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसके जाने के बाद भी इतने मोटे मोटे दाग छोड़ जाते हैं, तो उन सबको किस तरीके से फिक्स करना है आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ। अगर आपके स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, बहुत ज़्यादा बेजान हो गई है, अनइवन स्किन टोन है, आपके स्किन में एकदम ग्लो नहीं है, या फिर आपके स्किन पे किसी के होते हैं ना पिगमेंटेशन के मार्क्स होते हैं, किसी के नोज़ के पास, किसी के यहाँ पे लिप्स के आसपास अराउंड पूरा मुंह काला होता है, तो उन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही सिंपल सी रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। आपके घर के आसपास ही ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी और जिससे आप अपने स्किन को ग्लोइंग बना सकते हो, आपके स्किन में एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, दाग धब्बे हैं, उसको दूर कर सकते हो। दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, देखते हैं इस रेमेडी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक, और लाइक करने के बाद चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों, इस रेमेडी का जो पहली चीज़ चाहिए, आपको चाहिए नीम के पत्ते। नीम आपको इसमें लेना है, नीम की पत्तियाँ आपको लेनी है, 10 से 12 नीम की पत्तियाँ ले लीजिए। नीम आप सब जानते हो, उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपके एक्नी पिंपल दाग धब्बे को हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। सबसे पहले आपको लेना है नीम की पत्तियाँ, और उसके बाद दूसरी चीज़ जो लेनी है आपको, दोस्तों लेना है आपको, हर किसी के घर में ये रहती है, तुलसी की पत्तियाँ लेनी हैं आपको, 7 से 8 तुलसी की पत्ती ले लीजिए। आप सब जानते हो तुलसी में भी बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपके एक्नी पिंपल्स को दूर करती हैं। और लास्ट चीज़ जो चाहिए आपको वो है एलोवेरा जेल ले लीजिए, या फिर आपके पास घर में फ्रेश एलोवेरा की लीव है आप वो ले लीजिए। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो आप वो ज़रूर लीजिए, उससे आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको एक एलोवेरा की जो पत्ती होती है वो ले लेनी है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आपको वॉश कर लेना है। दोस्तों, वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप एक्नी पिंपल्स के लिए इस रेमेडी को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर हम इसको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो उसमें धूल मिट्टी रह जाएगी, तो हमारे एक्नी पिंपल्स बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे कि कोई भी ऐसी चीज़ लेते हो, पत्ते वाली चीज़ या फिर एलोवेरा, तो उससे पहले अच्छे से वॉश कर लें। अब तीनों चीज़ों को अच्छे से वॉश करने के बाद एक मिक्सी ग्राइंडर में लेके आपको अच्छे से उसका पेस्ट बना लेना है। बस आपको पेस्ट बनाने के बाद क्या करना है, उस पेस्ट को आपको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। किस तरीके से करना है इस वीडियो में देखिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, तो आप जो यूज़ करने का तरीका आप गलत तरीके से भी कर सकते हो, फिर आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, इसमें मैं बताती हूँ कि किस तरीके से इसको बनाना है और किस तरीके से आपको अप्लाई भी करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पे आपको इन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एलोवेरा, मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा लीव लिया है, उसको कट करके वॉश करके रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से लिए हैं नीम के पत्तियाँ, और यहाँ पे लिए हैं तुलसी के पत्ते। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है, जिससे कोई भी इसमें गंदगी और मिट्टी वगैरह ना हो, क्योंकि अगर आप एक्नी और पिंपल्स के लिए कर रहे हो, अगर थोड़ी सी भी मिट्टी या डस्ट होगी तो आपको एक्नी पिंपल्स बढ़ सकते हैं। तो इसलिए तीनों चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए, और उसके बाद आपको ब्लेंडिंग जार में डाल देना है, उसको कर लेना है ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके का फाइन पेस्ट बन जाएगा। इस तरीके
से बनने के बाद आपको क्या करना है, अपने फेस पे इस तरीके से आपको मसाज करनी है। आपको हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज कीजिए, और अगर आपके पिंपल्स बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हैं या बहुत ज़्यादा विजिबल हैं, पस वाले हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से अपने पिंपल्स पे इस पेस्ट को थोड़ी देर रख के छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से मसाज कीजिए और 10 से 15 मिनट तक इसको छोड़ दीजिए इसे लगे हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। ऐसा अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके एक्ने पिंपल्स हैं वो कम होते जाएंगे, आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो भी कम होगी, और उसके बाद आप देखोगे आपके जो चेहरा है एकदम क्लीन होगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बट दोस्तों, आपको करना है रेगुलर, ऐसा नहीं है आपने एक बार किया और दूसरी बार नहीं किया, क्योंकि ये होती है एंटीबायोटिक होती है, इसमें एंटीसेप्टिक होता है, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके जो पिंपल्स हैं एक्ने को हील्स करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन तीनों चीज़ों में आपके एक्ने पिंपल दूर हो जाएंगे, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, आपने देखा कि इस रेमेडी को हमने किस तरीके से प्रिपेयर किया है, किस तरीके से हमने यूज़ किया है। बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों। लेकिन आपको ध्यान रहे, आपको इसी तरीके से नहीं छोड़ना है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आप कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए या फिर एलोवेरा जेल अप्लाई कर लीजिए अपने फेस पर अच्छे से मॉइस्चराइज रहने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये आप हफ्ते में, आपके पास टाइम है तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 बार तो आप ज़रूर यूज़ करें इसको। इस तरीके से आप यूज़ करोगे तो जो आपके एक्ने पिंपल्स हैं और बहुत ज़्यादा किसी किसी के जो वाइट वाइट जो पस वाले भी पिंपल होते हैं ना, वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आपको लगातार 7 दिन करके देखें, आई प्रॉमिस दोस्तों, आप 7 दिन लगातार अगर आप करते हो, अगर आपके पास टाइम है आप तो दिन में जो पेस्ट बना लो, पेस्ट बना के दिन में 1 से 2 बार ज़रूर अप्लाई कीजिए। हफ्ते में जब भी आप इस पेस्ट को बना रहे हो, जैसे कि आज आपने बनाया इस पेस्ट को, तो आप क्या कीजिए, इसको एक बार अप्लाई कर लीजिए। अभी जैसे मॉर्निंग के टाइम पे आपने अप्लाई किया, फिर आपको शाम में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो उसी पेस्ट को दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा ही आप हफ्ते में आप 2 से 3 बार ज़रूर कीजिए, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके जो एक्ने पिंपल्स हैं वो एकदम ठीक होने लगेंगे। आपके जो भी पिगमेंटेशन के मार्क्स हैं वो भी दूर होंगे। आपके जो भी डल स्किन है, अनइवन स्किन है, या फिर बेजान स्किन हो गई या बिल्कुल रूखी सूखी बेजान हो गई आपकी स्किन, उसमें भी एक चमक आने लगेगी। तो आपको इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो बाय बाय।